वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग नोमैड करियर ब्लॉग में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग जा रहे हैं एक पास की डेस्टिनेशन है बल रिवर के नाम से, जो गेलू वाटरफॉल की लास्ट वीडियो मैंने डाली थी। वो रिवर जब बल में मिलती है तो वहाँ पे जो विलेज है उसके नाम से बल विलेज नाम पड़ा है। वहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब फ्रेश ठंडा पानी है, उसमें नहाने का जो मज़ा है वो आज आप लोगों को कैप्चर करेंगे हम जगह। तो अभी मैं निकल रहा हूँ, हम लोग अभी नट्टी वाले रूट पे हैं, तो मिलते हैं आपको ब्लॉग में, बने रहिए। अभी डल लेक क्रॉस किया है और यहाँ से पढ़ेंगे हम, आपको दिखाएंगे कि कौन सा रूट है जो सीधे बल रिवर की तरफ जाएगा। पूरा रूट कवर करने की कोशिश करूँगा मैं। अरे वादियाँ, एक बार फिर इनके दर्शन करा रहे हैं आपको। तो यहाँ से शुरू होती है नट्टी की मार्केट। अरे कुछ होटल्स हैं यहाँ पे बने हुए और गेस्ट हाउसेज हैं काफ़ी। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से दौरादार की रेंज का, आप देख सकते हो। और बहुत हरियाली है। और अब हम मेन चौक पे पहुँचे हैं जहाँ से हमें राइट टर्न लेना है। और ये हम आ गए हैं बल के लिए, जो लिंक रोड है। और अब आपको दिखाएंगे हम बल रिवर की लोकेशन। ये आप लोग जो व्यू देख रहे हैं इस टाइम, ये दौलादार रेंज मून पीक के आसपास का व्यू है। बादलों के कवर होने के कारण पूरा दिख नहीं रहा है। और सामने जो दिख रहा है ये है अपना कौन सा विलेज सामने? ये बल बल विलेज जो दिख रहा है सामने आपको नज़र आ रहा है। गुणा देवी मंदिर का ट्रैक है ऊपर जो यहाँ से जाता है, ये इस जगह पे सामने। और ये पूरा नड्डी का व्यू। शाम कहाँ पे लगा हुआ है द ब्लॉगर शाम हमारे, या पूरा व्यू यहाँ से देख सकते हो आप लोग। दोस्तों अभी जिस लोकेशन पे मैं हूँ वहाँ से जो ये आप व्यू देख रहे हैं ये है अपना वाटरफॉल। और यहीं से नीचे रिवर जब आती है और सीधे नीचे आके यहाँ पे, यहाँ से ये बल रिवर बन जाती है, क्योंकि ये ऊपर जो विलेज है सारा ये बल विलेज है। और ये ऊपर जो रेंज दिख रही है धौलाधार, इसके तो मैं आपको कई वीडियोज़ में कवर कर चुका हूँ। और ये पूरा देवदार का जंगल। और आप अभी जो डेस्टिनेशन देखेंगे अगली, वो है अपना नट्टी। यहाँ से हम लोग आए। आज भी मेरे साथ अनिल भाई का फिर से वेलकम है हमारे ब्लॉग में। अनिल भाई बताओ थोड़ा यहाँ के बारे में, थोड़ा सा डिस्क्राइब तो करो। ये वाला जो ये दिख रहा है ऊपर, ये हिस्सा, हाँ पूरा क्लियर होगा तो उस दिन दिखाते ना। अभी अच्छी खासी बर्फ़ है ऊपर जोत में, लेकिन इस बार मतलब उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो हमने बाइक कर दी यहाँ पे पार्क और अब यहाँ पे नहाएंगे हम, नीचे कहीं पॉइंट ढूंढेंगे, उसके बाद नहाने के लिए निकल जाएंगे। ये है बल रिवर की लोकेशन। देख रहे हो ये लोग ऊपर को चढ़ रहे हैं। ये गुना माता का ट्रैक है, एक घंटे का यहाँ से ट्रैक है, जो कि ठीक बल रिवर के सामने अपोजिट साइड से निकलता है और इस तरफ ऊपर जाके ख़त्म होता है। एक घंटे की वॉक है। और अब हम लोग निकल रहे हैं नहाने के लिए। जगह ढूंढेंगे सबसे पहले कहाँ पे नहाना है। और बहुत ठंडा है पानी, सीधा ग्लेशियर से निकल रहा है ये। हमने डिसाइड की है नहाने को, हल्का सा गहरा, ज़्यादा गहरा है नहीं। यहाँ से ऊपर का व्यू देखो, अल्टीमेट व्यू।
पूरा दिखाते हैं आपको व्यू नीचे तक। ये बल रिवर से हम इतना ऊपर आ गए, ये तो वाटरफॉल ही पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में अगर ऊपर जाएंगे तो ना। तो सच में मैंने सोचा नहीं था कि पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो, तो मैं चेक कर रहा था पैरों से कि पानी है कितना ठंडा, लेकिन ये कुछ 7-8 डिग्री के आसपास लग रहा था पानी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे पानी में अपने टेम्परेचर को सोचा कि पहले सेट कर लूँ, उसके बाद डुबकी लगाई जाएगी। और मैं चेक कर रहा था बहुत ज़्यादा ठंड है, और दोबारा मैंने फिर उसके बाद मन बनाया और मैं कूद गया पानी में। ये कुछ रिवर साइड पे बहुत अच्छे कैफेज बने हुए हैं, आप लोग कभी यहाँ पे आए तो विज़िट कर सकते हैं। यहाँ से गुना माता के लिए ट्रैक जा रहा है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, वर्थ इट है मतलब यहाँ पे आना। और यहाँ पे जो ठंडे पानी में नहाने का मज़ा है वो ज़रूर आपको एक बार विज़िट करना चाहिए। धर्मशाला से सबसे पहले आपको नड्डी आना पड़ेगा, देन नड्डी के बाद बल के लिए आना पड़ेगा, और नज़दीक में पार्किंग है, सब कुछ ईजीली प्रोवाइड हो जाएगा। खाने का स्टॉल लगे हुए हैं, फूड वैन लगी हुई है, तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें यहाँ आने का। और ब्लॉग में ऐसे ही अपना हो चुका है टाइम वापस निकलने का, और शायद अभी मेला भी लगा हुआ है नीचे दाढ़ी में, तो प्लान कर रहे हैं अभी, कोई पता नहीं है, देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँचते हैं। तो अभी बल रिवर से हम लोग जस्ट अभी निकले ही हैं, और व्यू आप लोगों को बीच बीच में मैं दिखा ही रहा हूँ। चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोमैड गड़िया व्लॉग।